तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूले के ऊपर। पिछले दो क्लासेस से हमें आपको एरे सिखा रहा हूं और एरे में हमने आपको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे यूज किया जाता है। अब चलिए एरे से रिलेटेड चीज आपके साथ करते हैं। कुछ फॉर्मूले नए आ गए जिससे हमें एरे की जरूरत कम पड़ गई है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास होते थे उसमें हम बहुत ज्यादा यूज एरे करते थे। 2007 की बात करूं, 2010 की बात करूं, तो हम बहुत ज्यादा एरे इस्तेमाल करते थे। तो चलिए आज हम उसी चीज पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं फॉर्मूला कि यहां पे मान लीजिए नेम काफी, यहां पे अपने नेम दिया हुआ है, और नेम देता हूं यहां पे पूजा, यहां पे मेरे पास नेम है। अब इसमें मान लीजिए इंदर जीत, मुझे यहां पे निकालना है सबसे लॉन्गेस्ट नेम लेंथ। लेंथ लगा देंगे सर? हाँ, सबसे लंबी जो नेम है मुझे यहां निकालना है। तो इसका पहले आपको एरे लगाने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझना होगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर मैं यहां पे लगाऊं फॉर्मूला लेन की, लेन इसको सेलेक्ट किया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, फिर मैंने लगाया मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स लेंथ, लेंथ, फिर यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला मैं मैच का और इसको इसको हम इसमें मैच करेंगे, ऐसा आ गया। देन मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला को बोलूंगा कि भाई इसमें से 23वां नंबर रो अलग कर दो, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने ले लिया। गलत आ रहा है सर इसको तो आप मतलब आपने मैक्स लगाया, मैक्स आप उसके अंदर भी तो वो कर सकते हो ना सर, क्या कहते हैं इंडेक्स में ही रो लगा के नहीं कर सकते? नहीं 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 आएगा, मैक्स से ही तो रो नंबर पकड़ेंगे। ठीक है तो सर यहाँ पे जी एग्जैक्ट मैच देखिए इसलिए सर आ गया सर। अब इसी चीज को एक सिंगल सेल में कैसे करेंगे? तो हमें तो लगाना है फॉर्मूला इसका इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स में इसको सेलेक्ट कर लिया, ए को सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमें रो नंबर, रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर कौन सा? मैच, मैच, मैच किसको लुकअप करना है? मैक्स को लुकअप, मैक्स को, किसका मैक्स? तो हमने बोला लेन, लेन कंप्लीट लेंथ का, ठीक है, इसमें करेगा जाहिर सी बात है लेन में ही करेगा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। क्वेश्चन नंबर वन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अगर हम बात करें कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं इसमें लगाता हूं फॉर्मूला 22 और लगाता हूं वी लुकअप का, आया क्यों? क्योंकि 22 नहीं है बट 21 तो है ना, यहां पे 21 आ जाना चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूं अच्छा, करना नियरेस्ट वैल्यू। तो इसे वी लुकअप में 0 1 कर दूं, 0 1 तक कर सकते जब डेटा शॉर्ट कर लेंगे,
अगर डेटा शॉर्ट कर लेते हैं देन बी हमने जीरो के जगह पे वन कर दे तो आपको दिख जाएगा, समझे? नियरेस्ट वैल्यू, लोएस्ट, नियरेस्ट नहीं, लोएस्ट वैल्यू दिखेगा सर, नियरेस्ट नहीं दिखेगा। नियरेस्ट मतलब ये हुआ कि आपके पास मान 25 आपने किया और आपके पास 20 है और आपके पास 28 है, तो वी लुकअप में वन कर देंगे तो वो 20 दिखाएगा वी लुक, और मैं चाहता हूं कि नहीं 28 दिखाएगा क्योंकि नियरेस्ट तो 28 ही है ना। क्या अब ऐसे एग्जांपल, एग्जांपल का ध्यान कहां से आया? तो सलमान खान की एक ये आती थी ना, एक दवाई का आता था कौन, 10 का दम की 5 का दम आता था, जब पूछा था कितने प्रतिशत, जो जवाब देता था वो जो जो जिसके जवाब रियल जवाब के नजदीक होता था वो विनर होता था, याद है? भूल गए? देखा जी, हाँ जी। चलिए छोड़िए, तो कैसे करें? तो इसका बेसिक अगर करना चाहे तो सिंपल सी बात है कि हर नंबर, जो भी नंबर्स हैं, उसमें से 22 से माइनस करना है, ठीक है? सर आप उल्टा क्यों माइनस कर रहे हो, वैसे भी तो कर सकते हैं ना, 41 माइनस 22 बात बराबर पड़ेगी, इसको माइनस कीजिए 22। क्योंकि फिर आप उसको फिर अगर वो कन्वर्ट करोगे पॉजिटिव नंबर में, एबीएस में कर देता हूं ना, हमें तो डिफरेंस निकालना है ऊपर नीचे, हां आखिरी क्या है, तो माइनस 1900 या 1900 बाद में तो सही बनना है ना, ठीक है? अच्छा, इसको इसको सर आपने एब्सोल्यूट क्यों किया है फिर? ताकि नेगेटिव वैल्यू हट जाए, वरना लोअर अपर नहीं दिख पाएगा ना सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यही बात, नजदीक चाहिए ना, जैसे मान लीजिए ना कि आपके मान 22 है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें 18 हुआ और इसमें आपका 25 हुआ, तो अगर डिफरेंस निकालते हैं तो एक माइनस भी जाएगा एक प्लस भी जाएगा ना, तो अगर माइनस 3 हुआ तो माइनस 3 भी दिखा देगा, माइनस वाला पहले दिखा देगा प्लस वाला बाद में दिखाएगा, 11 हुआ तो माइनस उसी को दिखाएगा ना सर। सही कह रहे, मुझे इसमें से क्या, अब मुझे इसमें से क्या करना Small. है, सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम उसको मुझे करना है मैच, मैच और फिर इंडेक्स फॉर्मूला देना है, और इंडेक्स फॉर्मूले में मुझे रो इसमें 3 दे देना, आ गया 23 पर 21 भी तो है, लेकिन क्या है इसमें हो गया 21 एंड 23 दोनों है, तो ये बात होगी, तो जो सबसे पहले रिपीट करेगा ना वो करेगा, हेलो हाँ जी सर समझ गए, कैसे लगा? तो इंडेक्स तो लगेगा ही लगेगा, इंडेक्स, इंडेक्स ले लिया, रो नंबर के लिए हमारा मैच लगेगा, मैच ले लिया, मैच से लुकअप क्या करना है, हमें लुकअप करना है मिनिमम, किसका मिनिमम, तो 20 मिनिमम एबीएस, एबीएस देना पड़ेगा, एबीएस ए माइनस बी और हमने पूरा डेटा दे दिया, मिनिमम को क्लोज किया, किसमें लुकअप करना है, तो बी में, तो एबीएस, एबीएस अच्छा और एबीएस में हमें यहां पे 22 जो है 22 माइनस हमने A2 लिया, A1 से लेना पड़ेगा, यहाँ पे A1 करना पड़ेगा, और गलत गलत जाएगी, तो इसको A2 के अंदर माइनस करना है ना, हो जाएगा कॉमा 0 और इसमें प्लस वन क्यों किया? क्योंकि वो 0 से लेता है और एक हमने ऊपर छोड़ रखा है, हमने यहाँ पे पूरा A1 से लिया हुआ है,
ए टू से लिया है सर, ए वन छोड़ा हुआ है। आ गया सर, कोई भी नंबर दूंगा 50 54 56 58। सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, हमने दोबारा एबीएस क्यों लगाया है इसमें, वो चीज थोड़ी। ये तो मिनिमम निकाल के जैसे 3 निकाल लिया ना, हाँ लुकअप करेगा इसमें करेगा ना, हाँ लुकअप लुकअप लोकेशन देना पड़ेगा ना यहाँ पे, लुकअप किसमें करेगा मैच लुकअप। अच्छा 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 अच्छा, देखिए बताता हूँ, समझ लीजिए एक बार फॉर्मूला चला दें थोड़ा, फॉर्मूला एवरेज फॉर्मूला। हाँ देखा एबीएस ने इसको कन्वर्ट करके मिनिमम निकाल के दे दिया ना वन, अब इसे वन किसमें मैच करेगा, वो लोकेशन मैंने दे दिया तो वन किसमें मैच करना है, मैच करेगा वन जिस जितने पोजीशन पे आएगा वो पोजीशन बता देगा कि भाई 16 प्लस वन मतलब कि 17 पे आया, समझे। ये आपका नीरेस्ट वैल्यू शो कर दिया, समझ गए। हाँ जी डाउट तो नहीं है सर? नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा लंबी होने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे कि मेरे पास नेम है या कमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, या कमेंट कर देता हूं, कमेंट या रिमार्क्स, हाँ रिमार्क्स। अमाउंट इज पेबल, इसमें क्या है कि मेरे पास दो वर्ड है, पहला वर्ड है अमाउंट, दूसरा वर्ड है प्राइसेस, समझे सर। यहां इसकी आईडी दी हुई है कंप्लेन आईडी, तो हमारे पास ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड है, मैं चाहता हूं कि अमाउंट यहां पे इसको नीचे रख देता और प्राइसेस अगर हुआ, अमाउंट हुआ या प्राइसेस हुआ, तो उसके सामने वाली वैल्यू दिख जानी चाहिए। यहाँ पे टीम का नाम आना चाहिए, टीम तो टीम में फाइनेंस टीम आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि कस्टमर के हम लोग फीडबैक लेते हैं, रिव्यू होता है, तो फीडबैक में कुछ हमने वर्ड पकड़े हुए, अगर वो वर्ड उस फीडबैक में होता है हमें उस पर्टिकुलर टीम को असाइन करना होता है, फाइनेंस टीम को, स्पेलिंग मिस्टेक था ना, साइन करना होता है, तो ये दो है लेकिन दो से ज्यादा हो सकता है। तो कैसे करें सर इसको, इसमें एक मिनट, आपके यहाँ पे रिमार्क्स आईडी हो गया है और आपको ये बताना है किस टीम को हमें ये भेजना है। हाँ तो जहां पे भी वर्ड में रिमार्क्स में प्राइस आया वो फाइनेंस को भेजना है, ये अमाउंट आया तो फाइनेंस को भेजना है, ऐसे आप 5-7 वर्ड है। जैसे हम अगर एक सेल में, मैं सोच रहा था अगर इफ लगाओ, इफ वो सेल कंटेन्स वर्ड प्राइस, देन प्रॉब्लम क्या है, इफ कंटेन कैसे करेंगे, इफ में ऐसा थोड़ी होता है कि वो तो इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा ना सर, वो तो इक्वल टू होगा, परसेंटेज लगा के सर आपने बताया था मुझे, परसेंटेज लगा के करते हैं क्या इसको, वी लुकअप में आपने बताया था ना हम परसेंटेज लगा के बताया था ना, बट प्रॉब्लम है कि तो एक ही को लुकअप करेगा ना। अच्छा आपको दो वी लुकअप लगाना पड़ेगा, ऐसे अगर 10 है तो 10 वी लुकअप लगाने पड़ेगा ना सर,
क्या वी लुकअप में एरे दे सकते हैं? हाँ सर देते तो हैं। क्या देते हैं? कंटेन किया, मुझे ये लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं भी हो सकता है ना सर। ये दिया, फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, टू कॉमा जीरो, रेफर आ गया ना सर। के अंदर में ये दे दो काउंट, काउंट जीरो आया रिजल्ट। एक बार देखिए क्या वर्क कर रहा है, नहीं समझ में नहीं आया सर। दोनों को इसमें लुकअप करवा रहा हूँ, काउंट मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ सर, मुझे ये फॉर्मूला आया है, किसी का क्वेश्चन आया है सर। जैसे अमाउंट और प्रीज हुआ, इसको हमने किया तो दोनों, एक मिनट, ए टू पे लुक किया, उसमें अमाउंट तो आ रहा है ए एम टी। हाँ ये अमाउंट और प्राइज आ गया ना सर, ए टू प्लस टू कर दिया, आर एस रेफरेंस, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। टू हमने गलत किया था, हमें वन करना चाहिए। इसमें यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आपका अमाउंट से तो प्राइस लुकअप हो रहा है लेकिन दूसरे से आपका जीरो हो रहा है, दिख रहा है सर? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो दोनों चीज एक सेल में नहीं है, अमाउंट और प्राइस, इसलिए जीरो हो रहा है। नहीं नहीं समझे, बात यह है कि इसमें से कोई एक ही होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, बस मुझे इसमें इफ एरर लगाना है। इफ एरर, एरर आता है तो यहाँ पे फॉल्स को काउंट कर लेता है ए से लेके मैं यहां पे, यहां लेके टू करता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व सर। आप पूछे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, समझ में नहीं आया ये। हाँ बताता हूँ, बीसरी क्या है कि वी लुकअप में हमने बोला कि यहाँ पे स्टार लगाया, हाँ। फिर मैंने अमाउंट को सिलेक्ट किया और स्टार लगाया, हमने वापस जो है इसमें वो स्टार ऐड किया, तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, मतलब कंटेन हो, हाँ, कंटेन हो गया। फिर हमने बी से, ए से बी को सिलेक्ट किया और कॉमा किया टू कॉमा जीरो, ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे देखिए एन में आया क्योंकि इसमें अमाउंट वर्ड नहीं है, नहीं है अमाउंट वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे अगर अमाउंट होता तो क्या होता, 36 आया। फिर हमने बोला काउंट को कि भाई तुम काउंट करो, काउंट करेगा क्या, अगर कोई नंबर आया तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, अदरवाइज काउंट कर क्या रहा है सर, हमें 36 नहीं रहना चाहिए, हमें तो इसको फाइनली शो करना है। अब इसमें मैं इफ का कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर इसका रिजल्ट इक्वल टू वन है तो यहाँ पे फाइनेंस, समझे? नहीं नहीं मैं सर ये नहीं समझ में आया, इसमें काउंट किस चीज को काउंट कर रहा है? तो बात यह है, समझिए बात समझिए कि भी जो एरर फॉर्मूला होता है, हाँ। उसी फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड होता है जिसके जो जिसका रिजल्ट
टेक्स्ट नहीं नंबर, ठीक है हाँ बहुत समझ वी लुक अप एरे, यू एरे होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूट में कैलकुलेट में, कैलकुलेट में नहीं, वी लुक अप के रिजल्ट को कैरी करने के लिए ना सर। वी लुक अप सर एक वैल्यू दे रहा है, जैसे आपके सेकंड वाले एग्जांपल में और यहां पे तो एक सेल सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू देगा ना, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे चेक कीजिएगा, हम एक मिनट बताता हूं आपको, इसमें हम कितने कितने इनपुट दे रहे हैं, लुकअप ये दो दे रहे हैं, तो वी लुकअप दो बार चलेगा ना, हाँ दो बार चलेगा ना, दो रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आया 52, एक रिजल्ट आया एंड नहीं, अच्छा मतलब कि अमाउंट को सर्च किया तो 52 आ गया, प्राइस को सर्च किया तो कुछ नहीं आया, एंड ने दे दिया, अच्छा तो इस एरर ने क्या किया, एंड ने को फॉल्स कर दिया, ओके एंड ने को क्या किया, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पे एंड ने को क्या दे दिया, फॉल्स कर दिया, वी लुकअप ने इस एरर को दिया, तो इस एरर ने अकाउंट को दिया 52 और फॉल्स, अकाउंट का काम क्या है, नंबर को काउंट करना ना, तो अच्छा 52 को वन काउंट कर रहा है, हां 52 को काउंट, 52 और फॉल्स मिला, फॉल्स को इग्नोर कर दिया, ओके 2 को काउंट कर लिया, इसका मतलब है कि इसमें अगर 1 आया मतलब एक जो है एक वर्ड जो भी हमने अमाउंट और प्राइस दिया है उसमें से एक वर्ड इसमें मैच कर रहा है, सर इसमें अगर इसमें दो वर्ड यूज होगा तो दो आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आया इसका मतलब है कि इसमें दी गई जितने भी वर्ड्स हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सर इसमें जो आपने वी लुकअप लगाया है उसमें हमें सेकंड कॉलम की तो जरूरत नहीं है, हम ए कॉलम से ही काम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाया हुआ है नंबर काउंट करने के लिए, अच्छा काउंट ए लगाएंगे तो फॉल्स को भी काउंट कर रहा है, जी हाँ जी हाँ सही, ठीक है तो अभी आपको क्या हुआ कि आप एक प्राइसेस को मल्टीपल सेल में सर्च करते थे, अब हम बताया हो कि मल्टीपल प्राइसेस को मल्टीपल्स में सर्च करना, समझे सर, ये रहे हेलो, समझ में आया सर आपको, सब क्या थोड़ा फिर से बता देंगे, मैंने बोला कि मैंने आपको समझाया कि मल्टीपल्स को मल्टीपल में सर्च करना, समझे, कमाल की चीज है सर, इसको तो मैंने कुछ और तरीका से समझाया था, थर्ड पर्सन को तो दिया था ना किसी को बना के मैंने, तो लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड किया था, बट इस पे रिसर्च किया तो मैं यहाँ पे सिंपल किया है, ओके तो बहुत बड़ी हो गई थी समझे, और उसको उसके पास लिस्ट भी बहुत ज्यादा था, लिस्ट भी ज्यादा, अब इस पे क्या था कि अभी से हुआ फाइनेंस ऐसे और भी टीम थे, तो यहाँ पे हम करते थे कि भाई अगर इसका सर्च कर रहा है तो टीम वन आएगा, ये आया तो टीम बी आएगा, दूसरा आएगा टीम सी आएगा, ऐसे हम लोग देते थे, लंबा बनाता हूँ, ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन 4 में मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ, और जाहिर सी बात है मेरे नेम डुप्लीकेट्स है, और यहाँ पे सेल्स, इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप मैं पूछने आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने पूजा का वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप क्या करता है, पहला पूजा का दे देता है ना, मुझे इसमें चाहिए लास्ट वाले पूजा, ये लास्ट वाले पूजा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ए इक्वल टू पूजा है, पूजा ऐसा है तो इसका रोल नंबर शो करें, ठीक है, और जो लास्ट रो नंबर आएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, समझे,
अब इसमें हम लगा देंगे लार्ज जो मैक्सिमम इसमें लगाएंगे, हाँ इसमें हम लगाएंगे मैक्स, हाँ मैक्स लगा देंगे यहाँ से 38। अब मैच यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स रोल नंबर आ गया तो रोल नंबर निकल ही रहा है तो मैच क्यों लगाएंगे इसमें, डायरेक्ट इंडेक्स। रो नंबर में 38 इसमें जो है 38.2 जी। एक सेल में कैसे करेंगे तो मैक्स, मैक्स में देंगे एफ, इफ को देंगे पूरा सेलेक्ट करेंगे बोलेंगे कि इक्वल टू पूजा, ठीक है अगर ऐसा है तो रो, रो सेलेक्ट किया और यहां पे देंगे इंडेक्स, समझ गए? हाँ जी। अब इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपको एक कुछ क्वेश्चंस की शीट्स देंगे जिसको आपको करना होगा। बिल्कुल सर, ठीक है।